वंदना और राधिका का एक अजनबी लेडी से पाला पड़ा। लेडी ने दोनों के मन में प्रलोभन डाला बड़ा। बड़े टीवी स्टार के साथ करने मिलेगा इन्हें इश्तेहार, पर क्या हो जाएंगे वंदना और राधिका इश्तेहार के लिए तैयार? कॉफी मग। ओफो, दिपेश भाई, वो कॉफी का मग कहाँ है? कॉफी का मग? आप यहाँ पे कॉफी पी दी है? देखिए मैम, यहाँ पे कॉफी और खाना पीना अलाउ नहीं है। अरे वो जो कॉफी का मग कॉफी के साथ ऑफर में फ्री मिलता है, वो कहाँ है? अच्छा, वो पीछे छुपा कर रखा है आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ऐसा है, और कस्टमर से कोई भी चीज ऐसे छुपा कर रखना ना गलत बात होती है। मैं पता नहीं वो वहाँ कैसे चला गया। मैं भी ना ऐसे जॉब कर चुकी हूँ, आपको पता है, कॉलेज में, और हम भी ऐसे ही पीछे छुपा कर रख देते थे और फिर खुद ही खरीद लेते थे। अच्छा सुनो, दीपिका या करीना? वैसे तो मुझे दोनों भी पसंद है। या आलिया? हाँ, पर्सनली तो वो भी। प्रियंका? प्रियंका इज ऑल्सो ना। दीपिका माँ, दीपिका। नहीं नहीं, मैं करीना के साथ जाऊंगी, 40 साल से मेरा फेवरेट है ये वाला ना। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, कौन था? दीपिका या आलिया? अरे नहीं माँ, कोई छुप के हमारी रिकॉर्डिंग कर रही थी। अरे ऐसे कैसे? मैम आप शांत हो जाइए, वैसे भी यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, मैं देखता हूँ, आप प्लीज संभालिए। माँ रिलैक्स, सब कुछ भी नहीं है, चलिए चलो। पता है वंदना, हमारे जमाने में ना ये इश्तिहार साबुन का जो करीना करती है ना, वो राखी और हेमा करते थे। वाह, अब बताइए, चेहरे बदल गए लेकिन साबुन नहीं बदला। हाँ पता है, इन बदलते चेहरों के बीच में तुझे मेरा भी चेहरा नजर आता। क्या? हाँ पता है, बचपन में ना अखबार में एक इश्तिहार आया था कि एक सुंदर घरेलू महाराष्ट्रियन और मध्यम वर्गीय लड़की का चेहरा चाहिए, तो मैंने ना छुप छुप के अर्जी भी भरी थी और करीब करीब मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। आपने बात कभी बताई क्यों नहीं? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी माँ, फिर इश्तिहार किया क्यों नहीं? अरे मेरे पिताजी कहने लगे, राधिका अगर तुमने ये इश्तिहार फिल्में ये सब किया ना, तो फिर शादी के लिए अच्छा लड़का तुम्हें पसंद कैसे करेगा? लेकिन अब क्या कर सकते हैं माँ, ये पुराने जमाने की। पुराना जमाना नहीं, आजकल के जमाने में भी ऐसी दकियानूसी सोच है लोगों की। हाँ बात तो सही है, अब देखिए ना, करीना, दीपिका, प्रियंका, ये सब अच्छे लड़कों से शादी करके सेटल भी हो गई हैं। अब शोहरत भी मिली, इज्जत भी मिली, अवार्ड्स भी मिले, और सोसाइटी के लिए कितना कुछ कर भी रही हैं। वो तो है। अरे अरे क्या कर रहे हो? मतलब थैली नहीं चाहिए बेटा, क्या है ना, हम थैलियां लेके आते हैं, तुम्हें पता है, तुम 10-10 रुपए चार्ज करोगे ना, नहीं चाहिए मुझे थैली। ए हेलो, क्या कर रही हैं आप? माँ यही है वो जो वीडियो बना रही थी ना। हेलो वंदना भाभी, वो लड़की ना? हाँ, वो। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, देखिए यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। आई एम सो सॉरी। मैं देख रही हूँ, आप पहले भी छुप छुप के हमारा वीडियो बना रही थी। आई विल एक्सप्लेन मैम, लिसन। हाँ मैं आप दोनों को छुप छुप के ऑब्जर्व कर रही थी और आप दोनों का वीडियो भी निकाल रही थी। क्यों? हाँ क्यों कर रही थी? ये देखिए मैम, हमें आप जैसी सास बहू की जोड़ी की ही तलाश थी हमारे ब्लू अम्ब्रेला डिशवॉश बार के इश्तेहार के लिए। इश्तेहार और हम? हाँ जरूर, अगर आप ऑडिशन बना के भेजते हैं और सिलेक्ट होते हैं तो व्हाई नॉट। कुछ नहीं रे, आजकल बकरा बकरी ऐसा कुछ होता है ना प्रोग्राम, वैसे ही होगा। देखना अथर्व कहीं छुपा होगा और मोबाइल पे ना शूट करते करते आएगा और कहेगा, कैसे उल्लू बनाया? नो मैम, आई एम सीरियस। ये देखिए, ये हमारा नंबर है और ये रही स्क्रिप्ट। अगर आप ऑडिशन बनाकर भेजते हैं और आगे आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप बन सकते हैं बहुत बड़े इश्तेहार का हिस्सा। एक मिनट, पीछे जाओ बंदू, पीछे जाओ ना, पीछे जाओ। नहीं नहीं नहीं, बार बार फोन को हाथ मत लाओ। पापा, दो मिनट के लिए बंद कर दीजिए। दो मिनट क्या, दो दिनों तक चलने वाली है सरकस। हाँ चलो रेडी। थैंक यू पापा, थैंक यू। ओके कॉन्सेंट्रेट प्लीज। सखी हाँ शुरू। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे सोने की तरह और दांत बर्तन में दिखेंगे मोतियों की तरह। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार का है ये चमत्कार। क्या था ये? खुल के करो ना, ऐसे लग रहा है न्यूज पढ़ रही हो। मैंने तो अपने सारे इमोशंस डाले थे राज। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? नहीं वो इमोशंस नहीं। राज,
मैं कैमरा में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सब लोग मुझे ही घूर रहे हैं। ऐसे कैसे हो पाएगा मुझसे? मैं दिखाता हूँ। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे सोने की तरह और दांत दिखेंगे बर्तन में मोतियों की तरह। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार का है ये चमत्कार। मैं दिखाती हूँ। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे सोने की तरह और दांत दिखेंगे बर्तन में मोतियों की तरह। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार का है ये एक। बस बस बहुत हो गया। क्यों नर्वस कर रहे हो उसे? हाँ सॉरी सर, ऐसे ही करने दो ना। ऐसे भी कहाँ सिलेक्ट होने वाले आप लोग? हाँ क्या बोला तू? नहीं नहीं देखो ये एक सीरियस कला है और आधे मिनट के लिए सही, हम लोग कलाकार हैं, समझा ना? बिल्कुल। तू एक काम कर, तूने समझ कि तू बेसिन पे खड़ी है और मुझे टिकिया बेच रही। हाँ 14 डाउन। बुढ़ापे में जितना कम रखो उतना बेहतर। 14 अक्षर है, क्या होगा? डे ड्रीमिंग ना, आत्मविश्वास ना, ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए अजी, आप एक मॉडल की इंसल्ट कर रहे हो और जिस घर में कलाकार की इज्जत नहीं होती ना उस घर में ना कभी क्या उस घर के बुड्ढे जल्दी बुड्ढे हो जाते हैं। अच्छा, मेरे बुड्ढे होने से पहले एक बार तो मॉडल बन के दिखाओ ना राधिका। हम सिलेक्ट होके दिखाएंगे। ओके ऑल द बेस्ट। चल बंधु। यस मां। चलिए नियति का फोन आया था। कौन नियति? अरे अपने टैलेंट मैनेजर। फोन आएगा तो बताऊंगी मैं आपको माँ। अरे जरा व्हाट्सएप चेक करना बेटा। मैसेज आएगा तो मेरा मोबाइल बीप करेगा माँ। तेरा फोन कभी कभी बीप नहीं करता। जरा देखना, चेक करना बेटा, मैंने भी कितनी बार मैसेज किया है ना तुझे। माँ क्यों इतना स्ट्रेस ले रही है? करेगी फोन वो, हमारा ऑडिशन देख रही होगी। हाँ बेटा 2 दिन हो गए, 20 सेकंड की तो ऑडिशन है। हाँ तो अच्छा लगा होगा इसलिए बार बार देख रही होगी। लेट्स स्टे पॉजिटिव माँ। हाँ नहीं मैं तो पॉजिटिव हूँ मगर ऐसे ही हाँ हेलो करने के लिए फोन करके देखना कि कैसी है, चाय पी की नहीं है ना। अच्छा नहीं लगता है ना माँ, हमें भी प्रोफेशनल अप्रोच रखना चाहिए। हाँ मगर वंदना ये नॉर्मल है ना, मतलब सबको वेट करना पड़ता है क्या? एक काम करती हूँ माँ, अगर आज रात तक कॉल नहीं आता है ना तो मैं मैसेज करके पूछ लूंगी। ओके 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 बाय। चमकी डिश बार से हाथ चमकेंगे, याद नहीं अभी याद करना पड़ेगा। आज हाँ राज बोलो। मंदू उपमा में मिर्ची है, मिर्ची में उपमा डाला है। पानी पियो। एक काम करो दही खाओ, दही अडिक तो बनी गए हो ना, खाओ। 3 बजे प्रेजेंटेशन है मेरा, यहाँ पर मुंह में आग लगी है मेरे। आशा तू कम सीखेगी। आओ साहेब छोटे छोटे टुकड़े डाले थे, चुन के निकल देने करा। टुकड़े चुनने में टाइम लगता है ना आशा, ऑफिस में है वो। वैसे साहब ऑफिस में ना इसके और भी फायदे हैं, पूरे टीम को सर्दी होगी लेकिन आपकी नाक क्लियर रहेगी। हाँ किसने बताया डॉक्टर आशा? सोशल मीडिया पे पढ़ा था। वैसे साहब मिर्ची लगने से अच्छी बात में आती है, मेरे मरद की गाँव की। हाँ क्या हुआ उन्दू? बात में आ गए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ राज, वो मैसेज आ गया वी आर ऑन लिखा है। अरे वो पढ़ो 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 को एक्टर अर्नव सच दे। हाँ। अब वो भाई वही फेमस टीवी एक्टर जिनकी 3 शादियां हुई है। हाँ ये वही है ना जिसका शो पापा ऐसे ताक लगा के देखते रहते जैसे वर्ल्ड कप की कोई मैच हो। क्या नाम है शो का? पति पत्नी और हम। हाँ 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 संडे को शूट है। मैं शोफर तुम्हारा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है राज क्योंकि शूट हमारे घर पे ही है। घर पे तो दीवार पे लीकेज है वो दिखेगा, किचन की खिड़की में वो कौवा 24 घंटे कांए करता रहता, क्या करेंगे उसका? आओ साहेब मैं बांबू लेके आती है ना। बांबू तुम उपमा में से मिर्ची चुनो, मैं यहाँ सब देख लूंगी। ओके नहीं चाहिए मुझे ये मैं फेंक रहा हूं।
एक्सक्यूज मी, वो अर्णव सचदेव भी आने वाला है ना? सर कहो सर। क्यों, मैं थोड़ी फैन हूँ उसकी। सर नीचे वैनिटी में रेडी हो रहे हैं। गुदगुदी हो रही मुझे। अच्छा तो वो ये वो यहाँ पे वो लगाते हैं ना, लंबी लंबी नजर आई थी। मस्कारा? हाँ हाँ वो लगाओ ना। नो मैम, बिल्कुल मिनिमल मेकअप करने बोला है। बजट नहीं है, हाउसवाइफ वाला फील आना चाहिए ना। माँ कैरेक्टर में घुस जाइए एंड फील लाइक अ हाउसवाइफ। वंदु मैं तो हाउसवाइफ ही हूँ ना। चल थोड़ी सी लिपस्टिक लगाओ, थोड़ी सी। यस मैम, उतना तो करेंगे। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। तुम बैठे क्यों हो, जाके मैम के लिए कॉफी लेकर आओ। मुझे, मैं हस्बैंड हूँ इनका, बाय द वे इनका बेटा। बेटा है मेरा। ओह सॉरी। एक्सक्यूज मी मिस्टर राजेश वागले। अरे ये कड़वी कॉफी की पाउडर कहाँ से आ गई? ये क्यों आया है? पता नहीं। एक संभाल के। क्या? आपसे एक जरूरी बात करनी है। फॉलो मी। एक्सक्यूज मी। ऐसे कीजिए ऐसे। वैसे मैम आपकी एज क्या होगी? मेरी एज क्यों? आपकी स्किन तो एकदम 40s की लगती है, इतनी सॉफ्ट। फाटे की तरह। वो क्या है, मैं जॉगिंग को जाती हूँ, योगा करती हूँ, और वो सब्जियाँ बचती है ना, टमाटर ककड़ी, ये सब लगाती रहती हूँ दिन भर। माँ ब्यूटी रेजिम बोलना पड़ता है। प्रोफेशनल है, दिखाना पड़ता है। हाँ यस। पता है माँ, आपके पापा ने ना बहुत गलत किया आपको रोक के। हाँ अन्ना बोलते थे मुझे। अन्ना ऊपर से वो टॉप एंगल से देखिए, आपकी बेटी कितना कमाल कर रही है, छा जाएगी दुनिया में। यस। मैं दो मिनट में आई, मैं फोन आ रहा है। हाँ अब जल्दी से लगा ना। हाँ ला ये थोड़ा सा ठीक कर दूँ, एक मिनट। यहाँ पे लगाओ। नहीं ये क्यों नहीं लगाती, ये लगाओ ना इधर, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। हाउस वाइफ तो क्या हुआ, थोड़ा सा तो मेकअप करेगी ना मैं। हाँ थोड़ा। हाँ कर इस तरफ। हाँ तुमने लिपस्टिक लगाई नहीं अभी, अभी बोल। राधिका क्या है? नहीं तुम इतना फास्ट फास्ट बोल रही हो इंजन की तरह, तो मुझे लगा ऐसा तुम तभी बोलती हो जब तुम्हें बुखार चढ़ जाता है, यू नो। देखिए एक प्रोफेशनल को ना बुखार हो या जुलाब, हाँ शॉट तो होके होके रहेगा। हाँ और इसे कहते हैं कमिटमेंट। आप ना जरा दूर रहिए मुझसे, मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। एनर्जी डाउन? हाँ घंटे भर तो तुम बक 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 किए जा रही हो, उसमें तुम्हारी एनर्जी डाउन नहीं होती है। देखिए अगर कोई सेल्फी लेने के लिए आता है ना, तो आप हमारे फ्रेम में कितनी अजीब लगेंगे। क्या शर्ट पहन के रखी है, दादा डेपो की शर्ट पहनी है। अब जाइए दूर रहिए मुझसे। पूरी है? जाइए वहाँ खड़ी रही। बजाऊं? हाँ मैडम मैं जाऊं? अरे इससे क्या पूछ रहे, जाइए। मेकअप आर्टिस्ट? जाइए। एनी हेल्प? नहीं। ओके ऑल द बेस्ट। तुम मेकअप करो। मिस्टर राजेश वागले आपकी एक परमिशन बाकी है अभी। एक मिनट, ये आपकी सारी परमिशंस ले लिए मैंने, ये देखिए। परमिशन टू यूज स्टेयरकेस बाकी है। अरे आप होश में तो, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है मैं समझ सकता हूँ, मैंने वैसे साइन भी कर लिया। अब सीढ़ियों का भी इस्तेमाल नहीं करें तो लोग आएंगे कैसे ऊपर, पीछे ड्रेनेज के पाइप से चढ़कर आएंगे। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपने परमिशन दी, आप पहले लेटर दीजिए, तब तक सीढ़ियों पर नो मूवमेंट। ओके ऐसा कोई रूल नहीं है। मिस्टर राजेश वागले रेलिंग पे स्टेयरकेस पे एक भी खनोचा ही तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। और हाँ शाम को आप सीढ़ियां साबुन के पानी से धोएंगे। शूटिंग होने वाली है, कोई मर्डर नहीं हो रहा है। मर्डर भी करना पड़े तो पहले सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। एक काम कीजिए, वो जो भी आपके रूल्स है ना वो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं पढ़ लूंगा आराम से। ओ हेलो, नो लाउड म्यूजिक, नो शाउटिंग। हेलो हेलो हेलो, आप लोग ट्रेनिंग में है? प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल? डोंट माइंड, हाउ मच यू अर्न? एक्सक्यूज अस सर प्लीज। ओके ओके। अर्णव सर आ गए हैं। गाइस कम ऑन फास्ट। हेलो अर्णव सर आ गए हैं। Are you doing?
Hello. Hi. Myself, Honorable Secretary Advocate Dakshay Joshipura. First citizen of Sai. Thank you so much. Excuse me. Hello. What? Hi. Oh. Hi. Ajesh Wagle, Vandana, Wagle. Excuse me. Sir, please come. Oh, bhai. Pati, patni aur hum wala pati. Vaisa, vaisa. Ye Rajbir Obera hai na, lambu tang wala. Thank you. Namaste. 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 Namaste, Wagle ji. Namaste. मैं आशा मैं अर्नव यहाँ की फ्लोर मैनेजर हूँ मैं हाँ एक सेल्फी के लिए कल से यहाँ डबल ड्यूटी कर रही हूँ मैं एक सेल्फी श्योर राज कितना हम्बल है ना ये जिसने वीडियो बनाया जिसने इतनी मेहनत ली जिसके हाथ में इतना दर्द हुआ उस पर डाल दो कंबल ये जो डंबल जैसे हाथ लेकर आ गया वो बड़ा हम्बल है राइट अच्छा ठीक है ही इज हॉरिबल टेरिबल कैनिबल अब खुश और आप हमारी मॉम ओ नहीं मैं हस्बैंड हूँ हमारी मतलब ये सखी और वो हमारा बेटा अथर्व इन दोनों की मॉम वंदना वागले इतने बड़े बच्चे हैं आपके आपको देख के कोई नहीं कह सकता ये आप जानती हैं हमारी हीरोइंस को कितना मेकअप करना पड़ेगा आप जैसा दिखने के लिए ये मेरी बहू है परफेक्ट ये हैप्पीनेस ही तो आपका ब्यूटी सीक्रेट है In fact, मैं आप सबके साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ जो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालूंगा ऑल राइट या या श्योर कम या इट्स ओके इट्स ओके कम 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 वन टू देयर वी आर सो मैं इसे इमीडिएटली पोस्ट करो कैप्शन लिखना फीलिंग यंग इन बोरिवली विथ माय न्यू को स्टार्स द वागले परिवार एक मिनट ये खत्म हो गया है जरा मैं लेके आ अरे नहीं नहीं रहने दी अच्छा नीति सेटअप रेडी एक सेकंड सर कॉपी या हां मैम सेटअप में थोड़ा टाइम जाएगा प्लीज सर जब तक हम लंच कर लेते हैं हां नो नो आई विल हैव माय कॉफी सौम्या कॉफी ले आओ प्लीज सर एक्चुअली आपकी कॉफी खत्म हो गई है मैंने ऑर्डर की है तो वो ऑन द वे है और आप लंच में क्या लेंगे सर नहीं नहीं लंच यहां बना है सबके लिए आर यू सीरियस 20 लोगों के लिए 20 नहीं 25 लोगों के लिए बनाया है और बच गया तो हम लोग खा लेंगे रात को वैसे पता है मराठी खाना बनाया है भाकरी भरलो वांगो पिठलो थालपीठ मिर्ची सा ठेचा नहीं 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 थैंक यू देखिए मैं एक कीटो डाइट फॉलो करता हूँ तो सो मैं जस्ट मेरा मील बॉक्स या सर क्विकली या कीटो डाइट वो चर्बी हटाने के लिए मां या मैं आपको वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाता ना हाँ वो तो हो जाएगा पर ये हमारी वैसे यहाँ पे ज्योग्राफी क्या होगी आप ये सब जानती हैं अरे कमाल करते मैंने 4 साल थिएटर किया हुआ है 4 साल से ना मैं सत्यवान की सावित्री बनती थी सब पता है मुझे पति को मरने भी नहीं दिया पर अब जीने भी नहीं दे रही सावित्री रखना पड़ेगा हा? अभी हमारे पास भी बहुत शूटिंग आएंगे ना तो हम भी ये ध्यान में रखेंगे कि हम काम के वक्त कुछ और ट्राई नहीं करते नया yes, हेलो नमस्कार हाय सुज में मैं जरा आपके बगल में बैठ जाऊं प्लीज आप ही का घर है नहीं नहीं फोटो तो नहीं खिंचवाऊंगा आई वोंट डिस्टर्ब यू वैसे कैसा लगा हमारा बोरीवली या नाइस कूल वैसे हमारा बोरीवली तो नहीं मैं तो ओरिजिनल दादर का हूं दादर दादर यू नो जी मैं जानता हूँ मैं खुद साउथ मुंबई का हूँ क्या क्या बात कर रहे हैं आप पेडल रोड अरे वाह आपकी तो खूब जमेगी हाँ मुझे एक बात नहीं जम रही है ये आपकी मालविका हमारे सीरियल की रैम ये आपको उल्लू पे उल्लू उल्लू पे उल्लू बनाया जा रही है और आप उल्लू बने जा रहे हैं बहुत बदमाश है वो आई नो वागले जी यू नो
What you know? सिद्धि क्या कुछ नहीं कर रही है आपके लिए? आप तो झूठ नहीं कह रही। और आप हैं कि वो? नहीं नहीं मैं नहीं, वो मेरा किरदार है। ना ना ऐसे किरदार आपने एक्सेप्ट क्यों किए? इंसान का एक उसूल होता है, उसूल किरदार का भी। नहीं नहीं वागले जी, ये लाइनें राइटर्स लिखते हैं, हम एक्टर्स हैं, हम सिर्फ बोलते हैं बस। नहीं पर ये है कौन राइटर? नाम बताइए मुझे, मुझे दीजिए, मैं लिख के देता हूँ आपको एकदम कड़क स्टोरी। क्या भाई देखो। हाँ वो ठीक है, मैं प्रोड्यूसर तक आपकी बात पहुँचाऊंगा, आई प्रॉमिस। वैसे मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ डेली, बहुत कुछ छपता है आपके बारे में, आपके और मालविका के बारे में। वो पब्लिक के मन से उतर जाने में देर नहीं लगती, सावधान। वैसे डोंट माइंड। नो नो नो, मैं जरा बाथरूम हो। हाँ आइए आइए। नहीं नहीं मैं जाता हूँ। नहीं नहीं मैं आपको ले चलता हूँ। सर जरा सोफा शिफ्ट करना है। नहीं उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ। हमारी लाइनें हो गई। ओके ओके, रिहर्स करते हैं ना एक। ब्लू अम्ब्रेला बार मैम, डिश बार। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार। थ्रो करिए आवाज, थ्रो। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार, एक्शन। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे, हाथ हाथ हाथ। रोलिंग, एक्शन। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे सोने की तरह, और दांत बर्तन में, बर्तन में। कट, रेडी, रोलिंग, एक्शन। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे सोने की तरह, और दांत बर्तन में दिखेंगे मोतियों की तरह। और एक बार, सॉरी, एक्शन। राधिका और वंदना के सजने लगे सपने, मुंह लटका के बैठ गए घर के सारे अपने। क्या एक मिडिल क्लास सास बहू बनेगी एड फिल्म स्टार, या फिर होगी इनके सपनों पर निराशा की बौछार? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।